मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर बरी आसात न्ही तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही भी बरी असा, एकदम मस्त। माझी थंडी भी आता ऑलमोस्ट 90% तरी बरी झाली असा, माशी ती उरतात न्ही, थोडा दिस तरी टाइम लागता कंप्लीट बरे जावपाक। तर आज शनिवार यानी कि आज हो गया सैटरडे, और आज है सैटरडे यानी कि हमारा वेज डे। जस्ट जो है ना, करके सारे काम निपटा कर, लंच छोड़ कर बाकी के जो डेली रूटीन के काम होते ना वो सब निपटा कर शावर ले लिया है मैंने। और इन्होंने आज यहाँ पे भगवान जी की पूजा सुबह सुबह ही कर दी थी। सुबह सुबह उठकर जो है ना पहले भगवान जी की पूजा वगैरह कर ली थी इन्होंने। अभी मैंने जस्ट शावर ले लिया है और जो है ना मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया। अभी मैं गई नहीं हूँ अंदर, मुझे जो है ना धूपबत्ती वगैरह भी दिखाने हैं, फूल वगैरह भी चढ़ाने हैं भगवान जी को, तो वो सब करते हुए तो सोचा कि पहले जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो है ना घर में बन रहा है वेज खाना। चावल लेने से पहले जो है ना मैंने कुकर वगैरह लगा लिया था, चने सोखे थे मैंने रात को, तो उसी की जो है ना आज मसाला ग्रेवी बनेगी। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आई थिंक 2 साल पहले एक मैंने वीडियो दिया था उसका, और बीच में जो है ना किसी ने मुझसे वापस उसकी रेसिपी मांगी थी, तो बीच में एक बार यानी कि 2 बार जो है ना मैंने वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो अभी फिर से नहीं करूंगी। और आज जो है ना थोड़ा सा लाइट सा खाना बनेगा क्योंकि सर्दी वगैरह हुई थी, तो अभी तक जो है ना उतना टेस्ट जो टेस्ट बिगड़ गया था ना सर्दी की वजह से, तो उतना ठीक हुआ नहीं रिकवर, तो इनको भी हल्की सी, मतलब मुझे सर्दी हुई है तो इनको भी हुई थी हल्की सी सर्दी, जो है ना इनकी भी अभी चालू है, 2 दिन से ये भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा लाइट सा खाना, मसाला ग्रेवी राइस और उसी के साथ जो है ना कुछ एक बैंगन वगैरह मैं फ्राई करके ले लूँगी। तो जैसा जो भी आज के दिन में होगा आप लोगों के साथ जरूर से शेयर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूजा वगैरह जो है ना वो कर दी है, और इन दिनों जो फूल जो है ना बहुत मिल रहे हैं, ये जो रेड कलर के फूल है ना वो बहुत मिल रहे हैं इन दिनों। बारिश के दिनों में 1-2 भी मिलना मुश्किल हो जाता है पूरे दिन में, लेकिन इन दिनों जो है ना बहुत ही अच्छे मिल रहे फूल, तो पूजा भी जो है ना बहुत अच्छे से हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपना करके लेती हूँ। सो हंगासले सगळे झाले आता किचन। सो यहाँ का जो ना हो चुका है, अभी चलते हैं किचन में। और यहाँ पे ना मेरा कुकिंग का प्रोसेस जो है ना वो चालू है। यहाँ पे इसमें चावल उबल रहे हैं, जस्ट जो है ना चावल डाले हैं, तो इनको अभी टाइम लगेगा 1-10 मिनट और। फिर यहाँ पे सुबह सुबह ही जो है ना मैंने कुकर वगैरह लगाया था, और उसी के साथ कोकोनट ग्रेट करके फ्राई करके रख लिया। अभी जो है ना इसे मिक्सर में डाल के निकालना है। और यहाँ पे मैंने लगाया था कुकर, रात को चने सोख किए थे, सुबह उठते ही जो है ना ब्रेकफास्ट जब बना रही थी तब उसी टाइम कुकर लगा दिया था मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे, तो अभी ये वाला कोकोनट जो है ना इसे मसाले के साथ ग्राइंड करके, मतलब जो हमारा होममेड गरम मसाला होता है ना उसके साथ ग्राइंड करके इसमें डाल दूंगी, तो ग्रेवी बन जाएगी। बहुत टाइम हो गया इनको, तो लाके रखा हुआ था अंदर फ्रिज में, तो इसको जो है अभी मुझे करना है फ्राई। तो खाना जो है ना ऑलमोस्ट बन चुका है, तो बैंगन जो है ना उसे मैं कट करके पानी में डालकर रख दूंगी, नमक वाले पानी में, तो खाना खाने के 10-15 मिनट पहले जो है इसे फ्राई कर लूंगी। सो झाले माझे रांधून सध्या, हंगासर रोस भी झाला, शिजलो, गॅस बंद करता आता। आणि फोडणी भी काय देऊ ना, जस्ट कढीपत्ता घालून केला, हंगासर शीत भी झाले, वांगी कट करून दवल्या उदकान घालून, ती मागीर आणि थोड्या वेळान करता। बेगीन केली जाल्यार रोकडीत थंड जाता न्ही ती, सो ताका लागून गरम गरम करून खावपाची, ती मागीर करता। रोस झालो, शीत झाले, आणि हे ऑरेंज नी काल कट केले, अर्धे खाला अर्धे तसेच असं, ते आता काढलं हवे फ्रीजातल्यान बाहेर, मी बेस्ट पिढ्यावर जनवता नी। अभी ना 1 घंटा है ऑलमोस्ट मेरे पास, तो देखती हूँ पहले जो है ना किचन का काम जो भी है, बर्तन वगैरह वो करते हैं, किचन टॉप क्लीन करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है करके। ऐसा घर का कुछ काम नहीं है, क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो सब कुछ कल हो चुका है, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, क्लीनिंग का वगैरह कुछ भी काम नहीं है।
थैंक यू। तो ये जन अभी जस्ट सोकर उठे हैं और इनको हुई है हल्की सी सर्दी, इसीलिए इनके लिए आज बनाया हल्दी वाला दूध। अभी जो है ना सुबह से तो ठीक थे, लेकिन अभी सोकर उठने के बाद बोल रहे कि इनको जो है ना थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है। वॉकिंग आस पता तो शाम हो चुकी है, अभी जो है ना 5:15 होने को आए। इनके लिए मैंने दूध गर्म किया और मेरे लिए जो है ना मैंने बनाई है कॉफ़ी आज, और ये वाली बिस्किट जो हम बेलगाम से लेके आए थे ना वो वैसे ही थी घर में, याद ही नहीं था इसके बारे में, तो सुबह मैंने देखा तो याद आया। बढ़िया सनी, बेस्ट। नेक्स्ट टाइम बेलगाम गए हाड़ूया मगिर परत चाकोती। बढ़िया सर। तो मैं जो है ना मेरा कॉफ़ी लेके आती हूँ अभी। तो ये रही यहाँ पे मेरी कॉफ़ी, इसको लेके चलते। पहले जो ना चाय कॉफ़ी और दूध ख़त्म करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। बिगिन यहाँ कागज पे ले। जैसे ही अपना दूध वगैरह पीकर चले गए वॉकिंग के लिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। मेरा यही रोज़ का रूटीन होता है, जैसे चाय वगैरह पीकर ये चले जाते हैं तो इनके जाने के तुरंत बाद जो है ना मैं पहले जो भी सिंक में बर्तन वगैरह पड़े होते हैं ना उसे क्लीन करके ले लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना डिनर की जो भी प्रिपरेशन वगैरह करके रखनी होती है वो कर लेती हूँ, ताकि जो है ना रात को डिनर बनाते वक्त थोड़ी सी आसानी हो जाए। और चाय के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना वो उसी टाइम साफ़ करके रख दिए ना तो अच्छा होता है, क्योंकि बाद में डिनर के बर्तन और फिर ये चाय वाले बर्तन बहुत हो जाते हैं, सिंक भी पूरा भर जाता है और इतना सब कुछ बर्तन वगैरह देखकर जो है ना आलस आने लगता है। इसीलिए जो है ना मैं पहले जो भी टी टाइम के बर्तन होते हैं ना वो पहले धोकर साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन वगैरह क्लीन करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे डिनर की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज घर पे बनने वाली है डिनर के लिए चावल के आटे की रोटी, रोटी यानी कि भाकरी जो हम लोग बनाते हैं, तो वही बनने वाली है। तो पहले जो ना मैं यहाँ पे आटा लगा कर रख दूँगी, बाद में जब भी डिनर वगैरह करना होगा तो उससे थोड़े टाइम पहले मैं भाकरी बना दूँगी, ताकि आटा जितनी देर रेस्ट करेगा उतना ही जो है ना अच्छी उसकी भाकरी बनकर आ जाएगी। आटा वगैरह लगा कर हो गया, और मैंने जो है ना इनके जाते ही सबसे पहले कर्टन बंद किए, यहाँ की लाइट ऑन की थी और दरवाज़ा बंद कर लिया था क्योंकि मच्छर जो है ना बहुत आते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे चाकू, बताती हूँ कहाँ जाना है। इस वाले गेट से चलते हैं। इनका चप्पल जो है ना वो पहन लेती हूँ, मेरा उस गेट के पास रहेगा, और मुझे जो है ना जाना है वहाँ पे उस साइड केले के पत्ते निकालने, मतलब एक छोटा सा पीस जो है ना वो चाहिए मुझे, लेकर आते हैं। ये देखो बहुत से है केले के पत्ते यहाँ पे, इस यहाँ पे भी है, उस साइड में भी है कॉर्नर पे। तो पहले जो है ना मैं निकाल लेती हूँ मुझे जो चाहिए ना यहाँ का पीस वो निकाल लेती हूँ, और बाद में बताती हूँ आप लोगों को कि मुझे क्यों चाहिए। और यहाँ से जो है ना सनसेट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने दो पीसेस जो है ना कट करके निकाल लिए है, और मैंने जो अभी आटा लगाया है ना चावल का आटा, उसकी जो मैं भाकरी बनाऊंगी ना वो आज मैं केले के पत्ते पर बनाऊंगी, इसीलिए निकाला है। अभी मैंने घर के अंदर की लाइट ऑन नहीं की है ना, तो पूरा अंधेरा हो रहा है। दो मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि एक अगर ख़राब हो जाए ना तो दूसरा काम में आ सकता है ना, इसीलिए बाद में अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ पे जाना प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा पानी लगाकर साफ करके रख देती हूँ, बाद में जब इसको बनाऊंगी ना तब इसको जो है ना गर्म करके यूज़ करूँगी, नहीं तो बीच से जो है ना फट जाता है। इसको पहले साफ कर लेते हैं, एक हाथ से क्लीन करना होगा नहीं तो मोबाइल को जो है ना मुझे रखना पड़ेगा। तो ये हो गए दोनों, यहाँ पे मैंने रख दिए हैं पानी से अच्छे से धोकर। जब तक मैं चावल के आटे की रोटी बनाऊंगी ना, मतलब बाकी, तब तक ये सूख भी जाएंगे। बाद में इसको जो है तवे पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। किचन की लाइट करते हैं ऑफ और हॉल की लाइट करेंगे ऑन। यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन तो मैंने कर ली। आज जो है ना डिनर में कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ रोटी वगैरह, मतलब जो भाकरी के लिए मैंने आटा लगाया है ना राइस फ्लोर का, वही और कुछ नहीं। सुबह मसाला ग्रेवी बनाई थी ना रोज, हमारा गोवन स्टाइल रोज, तो वो है, तो उसके साथ जो है ना वो भाकरी कर लेंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये जो है ना मुझे बोलकर, एक्चुअली ये जो है ना मुझे बोलकर गए थे कि आज चपाती बनाओ करके। इनको मसाला ग्रेवी वगैरह कुछ ऐसे होता है ना, वेज वाली ग्रेवी रोज वगैरह, तो उनको चपाती अच्छी लगती इनके साथ। लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, रोटी के लिए जो आटा लगता है ना व्हीट फ्लोर, वो थोड़ा सा ही है, तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि सब कुछ जो है ना ख़त्म करके रखना वगैरह, मुझे पसंद नहीं आता। चपात्या जे पीठ असा थोड़ेशा असा जातल्यो, एक पांच सौ चपाती आमका पुरो जाता एक टाइमा खातीर, बट माका नी सगळे सोपोन पुसून बसपाक आवडना। सो तितले इतले तरी उरपाक जाय असे माका दिसता, केन्ना एमर्जन्सी म्हण किदें म्हण असे माका बरे दिसना। सो तांदळाचे पीठ आशिल्ले तेच घालून दवरला आतां, आनी थोड्या वेळान एक अर्द वरान मागीर करपाच्यो भाकऱ्यो। तेतू म्हटल्यार हो इतलो, साडे स जावपाक येले आतां। पांच तीन तारीख हो गई ना, तो बागाटदार में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा सामान वगैरह जो है ना ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म होने का ही। लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ जैन को हम गए थे न्यू ईयर के दिन गोवा बागाटदार ग्रॉसरी लाने के लिए, तो एक महीना हो गया ना, मैं एक महीने के हिसाब से जो है ना लेकर आती हूँ। एक्चुअली हमारा आटा वगैरह जो है ना, मैं जितना लेके आती हूँ ना वो कभी ऐसे ख़त्म वगैरह नहीं होता है मंथ एंड तक, लेकिन इस बार जो है ना क्या हुआ कि रोटी बनाना हमारा ज़्यादा हो गया। सो अभी डिनर की तैयारी तो हो चुकी है, अभी इनके आने के बाद जो भी होगा, थोड़ा सा अभी एक आधा घंटा है मेरे पास, थोड़े बहुत और जो भी काम है वो करने हैं, कपड़े रखे हैं अंदर फोल्ड करने के लिए, वो फोल्ड करके अपनी अपनी जगह वगैरह रखना है, थोड़े से कपड़े हैं जो कि आयन करके रखने हैं, बाद में कभी ऐसे कहीं पे जाना वगैरह होता है ना तो हड़बड़ी में जो है ना बाद में ये वाला पहनो वो वाला पहनो ऐसा हो जाता है, आयन करने में भी टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक दो ऐसे ड्रेस जो है ना आयन करके रख देती हूँ, आयन करके जो है ना फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कहीं पे इमरजेंसी में जाना हुआ तो आसानी हो जाती है ना इसीलिए। तो चलो अभी जो है ना वो सब कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके थोड़े एक दो देखती हूँ सेट वगैरह आयन करके रख लेती हूँ, और तब तक जो है ना अंधेरा भी हो जाएगा, दिया बत्ती भी कर लूँगी, और तब तक ये भी आ जाएंगे बाद में डिनर का अपना टाइम, तो वो सब काम करती हूँ, और थोड़ी देर बाद जो है ना इनके आने तक आप लोगों से मिलती हूँ।
डिनर बनकर रेडी हो चुका है. जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने बनाई है राइस फ्लावर की भाकरी और उसके साथ जो दोपहर को ग्रेवी बनाई थी ना, मसाला ग्रेवी चण्याचा रोस, वो है तो वही हमारा रहेगा डिनर. तो यहाँ पे मैंने प्लेट तो सर्व कर दी है, तो चलो पहले जाना डिनर करके लेते हैं और उसी के साथ इस ब्लॉग को भी यही पेंट करेंगे. और आप लोगों को जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है ना, वो है यहाँ पे चल रहा है कबड्डी. गरम गरम सर्व किया है तो पहले जो ना डिनर करके लेते हैं, बाद में जो है ना ठंडी की वजह से जल्दी ठंडा हो जाता है. और आज का जो ये व्लॉग है ना, इसे भी यही पेंट करते हैं और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.